पाकिस्तान के आम चुनाव में आतंकी हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर एनए 122 सीट से चुनाव हार गया है। उसे इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार लतीफ खोसा ने 1,00,000 से भी ज्यादा मतों से मात दी। तलहा सईद को सिर्फ 2024 वोट मिले। जीत हासिल करने वाले लतीफ खोसा को 1,17,109 वोट मिले, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के उम्मीदवार को 77,907 वोट मिले। बेटे की हार के बाद हाफिज सईद के आतंकी मंसूबों पर पानी फिर गया है। हाफिज की कोशिश अपने आतंकवादी बेटे को पाकिस्तान की राजनीति में सेट करने की थी। इसके लिए हाफिज के इशारे पर लश्कर-ए-तैयबा ने एक नई राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। हाफिज सईद ने पाकिस्तान की राजनीति पर पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का गठन किया था। पार्टी ने संसदीय और राज्य विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, लेकिन चुनाव में हाफिज की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और उसके उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। चुनाव में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद निर्वाचन क्षेत्र एनए 127 लाहौर से पीएमएमएल का सेंट्रल प्रेसिडेंट खालिद मसूद सिंधु एनए 130 सीट से चुनाव लड़ा। हाफिज सईद की इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी था। हाफिज सईद ने 2018 के आम चुनाव से पहले ही इस राजनीतिक पार्टी को जमात उद दावा के उत्तराधिकारी के तौर पर खड़ा किया था। उस चुनाव में प्रतिबंधित जमात उद दावा के राजनीतिक चेहरे मिल्ली मुस्लिम लीग के रूप में भाग लिया था, लेकिन उसका बहुत खराब प्रदर्शन रहा। उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जमात उद दावा और उसके राजनीतिक धड़े मिल्ली मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाया तो उसने अपना नाम बदलकर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर लिया। अब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान के आम चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और पाकिस्तान की आवाम ने उसे भी नकार दिया। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा को भी पाकिस्तान की आवाम ने सबक सिखा दिया। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।